इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमको कोई त्रास देता नहीं, हम त्रास लेते हैं बेटा से, बहू से, भाई से। किसी ने आपको त्रास दिया? न दिया, हम ले लिया। त्रास कोई नहीं देता है, त्रास हम लेते हैं बल्कि खरीदते हैं। खरीदना मैंने आदान प्रदान, दिया और लिया, ये खरीद है। हमको कौन त्रास दे सकता है? कोई नहीं। हम त्रास लेते हैं तब लोग हमको देते हैं। किसी को कोई कष्ट बताओ तो आदमी कहता है, अरे क्यों पेन लेते हो यार, छोड़ो। कहना सरल है, छोड़ो। जितने जल्दी कह दिएगा उतनी जल्दी छूटता है क्या? ना। कहना सरल है छोड़ो, छूटना सरल नहीं है। ये जो हम अनुभूति में लेते हैं, अमुक ने हमको त्रास दिया, बेटे ने दिया, बेटी ने दिया, अरे आप इस भाव के अंदर जाइए तो त्रास हम प्राप्त करते हैं। हमने महसूस किया, हमने इसकी अनुभूत की। क्यों? क्योंकि हम अपने को सबका भाग्य विधाता मानते हैं। और जो सबका अपने को भाग्य विधाता मानता है वो सदैव त्रास में रहता है। ये कथा इसी से मुक्त करती है। खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। हमारे मति का सुखवर्धन कराती है, हमारे मति को हर्षित रखती है। क्या कथा! त्रास से मुक्ति प्रदान करा देती है कथा। कल रात को एक टेलीफोन आया जौनपुर से, दादाजी थे क्या सर? हाँ, उसी समय आए थे, बैठे थे, कुछ जलपान कर रहे थे। आए थे कौन? बाबा बोलिए। बाबा हमार लड़का हमार बात नहीं माने, हमने कहा फोन काटो, दोबारा करना मत। अपन थे मैंने कहा बताइए, अपनी समस्या हल नहीं कर पाने, पड़ोसी की समस्या। उनका लड़का उनकी बात नहीं मानता, मैं अपने बाबूजी की हर बात मानता हूं। हम दूसरे की विपत्ति को क्यों खरीदे टेलीफोन सुन के? ये त्रास है। एक हमारे मित्र हैं, वो हमको एक दिन बताने लगे, महाराज हमारा भाई कितना भी व्यापार शुरू कराते हैं वो बंद नहीं करता। हमने कहा कि मैं बताता हूं, उसको शुरू करा दो। जो व्यापार शुरू कराता हूं वही वो बंद कर देता है, कोई व्यापारी नहीं चलता। हमने कहा एक मैं बताता हूं, शुरू कराओ। क्या? बम्बई में एक व्यापार चलता है, पैसा लगाओ पैसा बढ़ाओ, पैसा लगाओ पैसा बढ़ाओ। अरे बोलो उसमें तो बेच ही देगा। हमने कहा नहीं, उसी से आपका हार्ट फेल हो जाएगा, न रहेगी बांस
न बनी बांसुरी, बनी तब न बजी न रहेगा बांस। अरे ये त्रास है, आपने ठेका ले रखा है सबका ना, तो आप अपना कल्याण करिए। कथा इस त्रास से जीव को मुक्त करा दे। अरे भैया सुनिए, दोहावली जी का 483वां दोहा। जो पै मूढ़ उपदेश के होते जोग जहां, जो पै मूढ़ उपदेश के होते जोग जहां, क्यों न सुजोदन बोध के आए श्याम सुजान। क्यों न सुजोधन बोध के आए श्याम सुजान। पूज्यपाद गोस्वामी जी दोहावली के 483वें दोहे में लिखते हैं कि यदि मूढ़ लोग भी उपदेश सुनने के लायक अथवा सक्षम होते तो क्या मंगल हो जाता, घर का, परिवार का, गांव का, संसार का, सबका भला हो जाता। अरे भैया महाभारत रुक जाती। क्यों? बांसुरी वाले कन्हैया दुर्योधन को 3 बार उपदेश देने गए, प्रजा की हानि हो जाएगी, युद्ध मत करो। लिखा पढ़ी में है कि कृष्ण भगवान हैं, शायद हम और आप जो इसको करने जा रहा है उन भगवान से भी बड़े भगवान हैं, तभी तो हम करते हैं। हम ठीक कर देंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कथा का निमित्त रखते हुए कि आप किसी को ठीक न करिए, सब मिलकर तोहरे को ठीक कर देंगे। आप सबको ठीक होने दीजिए, सब बहने दीजिए, इसी तरह किसी को ठीक मत करिए, सब ठीक है, आप ठीक हो जाओ। यही तो है, गरुण जी को संशय था कि भुसुंडी जी ने कथा सुनाई, समझाया नहीं, और तभी कह रहे हैं खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर। कल हम भाई जी चर्चा कर रहे थे राम कथा में भक्ति में भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बात निकल के आई केवट जी, सत्य है ना। केवट की तुलना वर्तमान के कथाकार लोग केवट के पांव की धूल ही नहीं बन सकते। हम लोग बिना दक्षिणा के कथा नहीं बाचा था, चाहे कहो कितनो लंगोटा लगा के ठहरे, दक्षिणा पहले भेजो फिर बुलाओ। और केवट भगवान ने खड़े हैं, अरे अंगूठी एक है, माई की अंगूठी ले लेते तो पूरा 3 पीढ़ी उधार हो जाए। क्यों? बिड़ला जी का लंगोटा आज भी काहू कोठी में सेठ जी के यहां रखा है। जाना तो कि जूते हिला रहे हो गर्दन
हम चाहे जो बात कहें लोग गद्दर जरूर हिलावत है समझे चाहे ना समझे। जैसे दुकान पर नहीं वो कल बता रहे थे जी को हमने नगद बेचा हमने उधार बेचा। अरे समझो तो हाँ करो नहीं समझो तो मना करो। आप जान लीजिएगा काहू कोठी कानपुर में बिड़ला जी का कई पीढ़ी पहले का लोटा आज भी रखा है ऐसी कानपुर में किंवदंती है। मैंने देखा नहीं है लोटा, कहावत प्रचलित है। पीढ़ियों पहले का वो लोटा, एक बार कोई उनका जवान पौत्र पुत्र जो भी हिसाब लगाया कि लोटा कितने का होगा, अपने मुनीम जी को समझाया लोटा मंगा लिया जाए। तो मुनीम जी ने चश्मा नीचे किया, कहा बाबू नाम न लेना। कहे क्यों? कहे जब लोटा रखा गया तो व्यापार शुरू हुआ था, वही जितना व्यापार है सब लोटे के बराबर आ जाएगा, नाम न लेना। क्यों? लोटा रख करके ना आया जी तब व्यापार खड़ा हुआ, तो व्यापार बराबर लोटा, लोटा न जाता न रुपया आता न इतना व्यापार हो पाता। इसलिए समाप्त सा अर्थ की संसार के वस्तु की कीमत आप नहीं लगा सकते, जिसके पास रखा है वो बताएगा क्या उसकी कीमत है। अज्जू बाबू की क्या कीमत? जब हम नहीं थे कथा में तब से ही हमारे साथ है, अब ये न लगा पावे तो हम क्या करें? हमको समझें ये अति महत्वपूर्ण है। सरकार कहते हैं काकभूषुंडी बाबा क्या ये कथा वीरति वैराग्य देने वाली है। विवेक होई विवेक मोह भ्रम भागा, हमको मोह से मुक्त कराने वाली, दुख दूर कराने वाली है। और भगवान की भक्ति हमारी दृढ़ कराने वाली है। संसार रूपी नदी में राम कथा नौका है, भव सागर चह पार जो पार, राम कथा ताक दृढ़। यहां भी कहते मोह रूपी नदी के लिए ये तरनी माने नौका है, ये कैसी नौका है, किस प्रकार हमको तार देती है, इसका स्मरण हम लोग कल चिंतन सत्र में करेंगे। आप इतना समझ लीजिए भगवान की पवित्र राम कथा, भगवान का पावन उत्सव, भगवान श्री रघुनाथ जी की हर कथा हमको वैराग्य में अवस्थित कर देती है, हमको विवेक रूपी दिव्य तत्व से मिला देती है, मन में व्याप्त दुख को भगा देती है, भगवान की भक्ति में लगा देती है। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या, क्या परम रामायणी कथा निरंतर सुनी जाए। कहीं सुनहिं अनुमोदन करही ते गोपद इव भवनिधि तर, ना यही है जी। कथा कही जाए सुनी जाए समझी जाए, और कैसे, जैसे हम नहीं जैसे लिखा है भगत लोग कहते हैं वैसा। 5 घंटे हम आपको सुनाएंगे तब भी आप नहीं तृप्त होंगे, ये चलती रहेगी कथा। अरे युगो युगों से चली आ रही है साहब, 5 घंटा 15 घंटा क्या होता है। बड़ी आनंद की कथा है। पावन अभिषेक महोत्सव के प्रसंग में हम लोग गति कर रहे हैं, यह भाव दृढ़ हो। मोह नदी के लिए किस प्रकार की अलौकिक नौका है यह राम कथा, और कैसे विरक्ति
विवेक और भगवान के चरणों में भक्ति हमारे दृढ़ हो, इस भाव का स्मरण हम लोग कल की कथा में करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।